बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर चैप्टर होम्योस्टेसिस, वेयर वी गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन अकरिंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स. So in the previous lecture, we got to know about osmoregulation in plants, and today we're going to take a look at how it occurs in animals. Osmoregulation जो है वो animals के लिए भी उतनी ही important है जितनी के plants के लिए, but animals face a certain condition. And that condition is that they cannot survive a continuous loss or gain of water. उनके लिए ये possible नहीं है कि वो मुसलसल पानी को gain करते रहें या lose करते रहें. So उसके ऑपोजिट उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट्स का एक बैलेंस रखना पड़ेगा. अब ये बैलेंस वो कैसे रखेंगे, उनके पास दो तरीके होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दोज टू वेज वी डिवाइड ऑल द एनिमल्स इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. ऑस्मो कन्फॉर्मर्स आर द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, विच आर गोइंग टू change their body according to their external environment, which means इनको अपने body के internal environment को external changes के साथ साथ change करना पड़ेगा. They are going to keep their bodies isotonic to the external environment, which means बाहर के environment में अगर increase हुआ तो उनको internal environment में solutes को और या water को increase करना पड़ेगा, और अगर decrease होगा तो उनको अपने internal environment में भी वाटर लेवल को डिक्रीज करना पड़ेगा. दीज आर द ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. ऑन द अदर हैंड वी हैव द ग्रुप विच इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स. एज द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग, दीज आर गोइंग टू बी द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर गोइंग टू रेगुलेट देयर बॉडीज, रेगुलेट द वाटर लेवल इन साइड देयर बॉडीज, विच मीन्स पानी के एक सर्टन लेवल को इनको कायम रखना पड़ेगा. सो इसका मतलब हुआ कि जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा, ये उसके अकॉर्डिंग या तो पानी को लूज़ करेंगे या गेन करेंगे, ताकि एक बैलेंस रख सकें, ताकि इनकी बॉडी ना तो पानी लूज़ करे ज़्यादा और ना ही ज़्यादा पानी इनके पास एक्सेस आ जाए. और इनके केस में क्या होता है, दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक केसेस. हमें पता है हाइपोटोनिक वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर ज़्यादा होता है. तो जब एक्सेस वाटर इनके पास होगा ये उसको डिस्चार्ज करेंगे, और अगर एक्सेस सॉल्ट्स इनके पास होंगे तो ये उसको भी डिस्चार्ज करेंगे. सो इनको अपनी बॉडी को एक बैलेंस में रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही ये पानी को लूज़ करेंगे या सॉल्ट्स को लूज़ करेंगे. दिस ग्रुप इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स, जिन्होंने अपनी बॉडी को रेगुलेट किया था. नाउ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव इन थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट्स. फर्स्ट वन इज़ मरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल. तो अब हम इन तीनों कैटेगरीज को देख लेते हैं कि इन तीनों एनवायरमेंट्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन दोनों में से कौन से काम को अपनी बॉडीज में कैरी आउट करते हैं. हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मरीन एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स रह रहे हैं उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए कौन कौन से टैक्टिक्स अपनाए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कैटेगरी जो एनिमल्स की आती है, मरीन एनिमल्स की आती है, उसमें हम देख लेते हैं कि मरीन इनवर्टिब्रेट्स कैसे काम कर रहे हैं. मरीन इनवर्टिब्रेट्स का काम है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का. ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हमने अभी देख लिया, दे कीप देयर बॉडीज आइसोटोनिक विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. वर्टिब्रेट्स के ऊपर अगर हम आ जाएँ तो वर्टिब्रेट्स में जो हैग फिशेज हैं, द ग्रुप ऑफ फिशेज विच आर कॉल्ड हैग फिशेज, उनके पास भी अपनी बॉडी के अंदर एनवायरमेंट को आइसोटोनिक रखने की अडाप्टेशन है. वो भी अपनी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ आइसोटोनिक रखती हैं. द थर्ड कैटेगरी इज कार्टिलेजिनस फिश. अब कार्टिलेजिनस फिश ने क्या काम करना है, अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रखना है ताकि वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट का लेवल कम रखना है. एज़ वी नो मरीन वाटर जो है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. सो हाई चांस है इस चीज़ का कि वो सॉल्ट मुसलसल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके फ़िश के अंदर जाता है, लेकिन टू मच सॉल्ट एक्यूमुलेशन जो है वो नुकसानदेह होती है फ़िश के लिए, इसलिए उनको अपनी बॉडीज़ के अंदर सॉल्ट की जो लेवल है वो कम रखना पड़ता है. अब यहाँ पे काम आ गया है अगेंस्ट द ग्रेडियंट. अगेंस्ट मतलब बाहर जो चीज़ ज़्यादा है उसको हमें अंदर कम रखना पड़ रहा है, बजाय इसके कि हम बाहर से चीज़ को मूव अंदर करें.
अब उसको कम रखने के लिए इनके पास कुछ अडेप्टेशंस हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो इन्होंने अपने पास बना लिए हैं जिसके ज़रिए से वो ये काम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास किडनीज़ हैं और किडनीज़ के काम का हमें पता है, किडनीज़ एक्सक्रीट सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी. तो अब क्या होगा कि ये फिश जो हैं जब इनकी बॉडी के अंदर बाहर से सॉल्ट्स एंटर होंगे जो कि बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन में थे, ये उसको अगेंस्ट द ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ किडनीज एज वेल एज सम रेक्टल ग्लैंड्स. किडनीज एंड सम रेक्टल ग्लैंड्स, इन दोनों की मदद से वो उन सॉल्ट्स को बाहर एक्सक्रीट कर देंगे और ये सारा काम हो रहा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हमें पता है इट वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट. लोअर कंसंट्रेशन से चीज़ें मूव करती हैं हायर कंसंट्रेशन में. सो सॉल्ट को रिमूव करने का एक तरीका तो ये हो गया कि किडनीज और रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू सॉल्ट्स को बॉडी के अंदर से बाहर निकाल दिया जाए. ऑन द अदर हैंड कुछ फिशेस के अंदर एक और ग्रुप जो फिश का हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो है कि उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है. अब इन फिश ने क्या किया है, ये अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट का जो लेवल है उसको तो लो ही रखेंगे, लेकिन वो जो एक गैप आ गया बाहर के और अंदर की सॉल्ट की कंसंट्रेशन में, जो एक डिफरेंस आया है, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए वो अपनी बॉडीज़ में यूरिया प्रोड्यूज़ कर देते हैं. यूरिया जो है हमें पता है एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, वो अपनी बॉडी के अंदर यूरिया प्रोड्यूस कर देती हैं. और यूरिया की एक्यूमुलेशन से क्या होता है कि वो जो बाहर के एनवायरनमेंट और फिश के अंदर के एनवायरनमेंट में सॉल्ट का जो डिफरेंस आ जाता है, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, वो ये यूरिया कंपनसेट कर देता है, उसको ओवरकम कर देता है. लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम उन फिश के लिए आता है, वो ये होता है कि यूरिया जो है वो लार्ज अमाउंट्स में टॉक्सिक होता है, वो डैमेजिंग होता है, वो नुकसान पहुँचाता है फिश को. सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो अपनी बॉडी में एक केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं और उस केमिकल का नाम है ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड, TMAO. ये वो केमिकल होता है जो इन फिश के अंदर वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि यूरिया की एक्यूमुलेशन से उनकी बॉडी को नुकसान ना पहुंच सके. ये तो हो गई वो कैटेगरी जिन फिश ने अपनी बॉडी में यूरिया रखा था. ये चार कैटेगरीज हमने पढ़ ली. अब हम देखते हैं पांचवी कैटेगरी कौन सी है और वो है बोनी फिश की. बोनी फिश ने कैसे काम करना है, मरीन एनवायरनमेंट में रहते हुए बाहर मौजूद ज़्यादा सॉल्ट्स को कैसे कंपनसेट करना है इन्होंने. व्हाट दे डू इज़ दे कॉन्स्टेंटली लूज वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज. वो मुसलसल लार्ज अमाउंट में पानी पीते रहते हैं, ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर. वो ज़्यादा अमाउंट में पानी को अंदर लेकर जाएंगे और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उस पानी के अंदर जितना भी सॉल्ट मौजूद था उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देंगे. तो इससे क्या होगा कि बाहर के एनवायरनमेंट में बाहर जो पानी मौजूद था उसमें क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा थे, जब वो उसको लार्ज अमाउंट में इनटेक करेंगे, उस इनटेक किए हुए पानी में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को वो रीअब्सॉर्ब कर लेंगे अपनी बॉडी में और जो बाकी सॉल्ट्स बचेंगे कंसंट्रेटेड फॉर्म में उनको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे और इस तरह से वो अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं. सो वी जस्ट गॉट टू लर्न कि मरीन एनवायरनमेंट में एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेशन कैसे कैरी आउट करते हैं. अब हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर एनिमल्स के पास कौन सी अडेप्टेशंस हैं फॉर ऑस्मोरेगुलेशन. फ्रेश वाटर वो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर बाहर के एटमॉस्फेयर में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है. सो इसका मतलब है ये एनवायरनमेंट जो है वो डाइल्यूटेड एनवायरनमेंट है. ऐसे एनिमल्स के पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और सॉल्ट्स की कम है. वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने से फिर इनके पास एक जो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है दैट इज़ फ्लडिंग ऑफ द बॉडी. मच लाइक हाउ वी स्टडीड इट इन हाइड्रोफाइट्स, जिसमें हमने कहा था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है तो इंटरनल एनवायरनमेंट में फ्लडिंग का उनको फेस करना पड़ता है. अब फ्लडिंग से क्या होगा, पानी कॉन्स्टेंटली उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज होता रहेगा, डिफ्यूज होता रहेगा और इस पानी को उनको मुसलसल एक्सक्रीट करने की ज़रूरत पड़ेगी. सो वट दे डू इज़ सम एनिमल्स इन फ्रेश वाटर सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम, दे पम्प आउट द एक्सेस वाटर.
वो एक्स्ट्रा पानी को जो उनकी बॉडी में डिफ्यूज़ हो गया था उसको बाहर निकालते हैं, और उसके लिए उन्होंने सर्टन स्ट्रक्चर्स अपनी बॉडी में इवॉल्व कर लिए हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में हमें पता है, इनके पास एबिलिटी होती है कि वो पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगे इन एनिमल्स के पास, इनके थ्रू वो जो एक्सेस और एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे और बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देंगे। ये तो हो गया नंबर वन अडेप्टेशन जो इन एनिमल्स में ऑब्जर्व की जाती है। सेकेंड अडेप्टेशन जो इन एनिमल्स में ऑब्जर्व की जाती है, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन मतलब उसके अंदर कम से कम सॉल्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा, और इस तरह से जो बाहर के इन्वायरमेंट में सॉल्ट्स कम थे और अंदर के इन्वायरमेंट में उनको सॉल्ट्स की ज़रूरत थी, इस तरह से वो सॉल्ट्स को स्टोर कर देते हैं। सो पानी बाहर से कॉन्स्टेंटली बॉडी के अंदर एंटर होगा। बॉडी जो है इन फिश की, वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी, मतलब सॉल्ट्स को स्टोर कर लेगी, और जो एक्सेस वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा। और एक और तरीका जो है, एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट्स बाय गिल्स एंड स्किन। थर्ड जो इसके पास तरीका है, उसके ज़रिए से ये एक्टिव अपटेक करते हैं सॉल्ट्स का, लेकिन किन की मदद से? अपने गिल्स और अपनी स्किन की वजह से। वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट दीज फिश डू नॉट ड्रिंक वाटर, ये पानी को माउथ के थ्रू इनटेक नहीं करती। तो लास्टली हम देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ऑस्मोरेगुलेशन कैसे कैरी आउट कर रहे हैं और उन्होंने कौन सी अडेप्टेशंस अपने पास रखी हुई है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है लैंड एनवायरनमेंट है, विच मीन्स देयर इज़ नो कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर, हर वक्त पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। सो देयर इज़ अ हाई चांस दैट द एनिमल्स लिविंग इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट कैन लूज वाटर, उनके पास पानी को लूज़ करने की या पानी की अमाउंट कम हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, विच वी कॉल डिहाइड्रेशन। सो इसको ओवरकम करने के लिए दे विल हैव सर्टेन अडेप्टेशंस। उनके पास अडेप्टेशंस कौन कौन सी हैं? नंबर वन, दे हैव कवर्ड बॉडी सरफेस। लैंड पर रहने वाले एनिमल्स ने एक अडेप्टेशन की है जिसके ज़रिए से उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है। वो लेयर डिफरेंट तरह की हो सकती है, वो वैक्सी एक्सोस्केलेटन भी हो सकता है, वो मल्टी लेयर डेड स्किन भी हो सकती है, और वो मे बी प्रोडक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल हो सकता है जो उनकी बॉडी के ऊपर एक लेयर बना देता है जिसके ज़रिए से वो एक्सेस वाटर को लूज़ नहीं कर पाते, अपनी बॉडी के अंदर वाटर को सेफ रखते हैं और उसको लूज़ नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, सेकेंड अडेप्टेशन इज़ they drink a lot of water. Land animals जो हैं वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे ताकि पानी के लॉस की जो कंपनसेशन है उसको कैरी आउट कर सकें। अब पानी को स्टोर करने के लिए कुछ एनिमल्स ऐसे हैं सच एज डेजर्ट एनिमल्स, जिन्होंने अपने अंदर ऐसी अडेप्टेशंस की हैं कि वो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फीड कर लेते हैं। विदाउट ड्रिंकिंग वाटर वो कैसे? थर्ड कैटेगरी में हमारे पास वो एनिमल्स आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जिन्होंने कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस अपनी बॉडी में ले आए हैं। वो मतलब ये कि उनके पास अगर स्टोरेज का तरीका नहीं है तो उन्होंने एक न्यू तरीका अपनाया है, और वो ये है दैट सम डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैंगरू, वो पानी के विदाउट सर्वाइव कर जाते हैं। सो वो पानी का इनटेक नहीं करेंगे, उसकी जगह पे व्हाट दे डू इज़ दे टेक इन द सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स को वो इनटेक करते हैं। उसकी वजह ये होती है इन सीड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से इन टर्न मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं। सो ये एक मेटाबॉलिक अडेप्टेशन है जो कि हमें नज़र आती है कैंगरू में, कैंगरू रैट में, जो कि एक डेजर्ट मैमल है। फोर्थ अडेप्टेशन इज दीज एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। कंसनट्रेटेड यूरिन मतलब जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा और पानी कम से कम होगा, विच मीन्स पानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा, और इसके लिए
we know the organ is kidney. This is done with the help of kidney. So excretion is done by kidney and a concentrated urine is produced. One thing that is peculiar in these animals, a unique adaptation for some terrestrial animals is that they can tolerate dehydration. एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं वो डिहाइड्रेशन को सर्वाइव कर जाते हैं. उनके लिए डिहाइड्रेशन बहुत लीथल नहीं होती, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती, और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर इसकी रेंज डिफरेंट होती है. बट दिस कैरेक्टर बाय विच टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन, इट इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस. एनहाइड्रोबायोसिस इज़ अ कैरेक्टर ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थ्रू विच दे कैन tolerate dehydration depending on the environment and depending on different animals. At the end right here, I've added some important questions which I'm sure you can attempt after learning these topics. I'll be looking forward to your answers. Also at the end, I've added some helpful links jahan se aap kuch mazid information ko apne knowledge mein add kar sakte hain. And I'll see you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.